हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जॉब्स अली में। मेरा नाम है अली। आज हमारे उत्तर प्रदेश के विजिटर्स को बहुत खुशखबरी है कि 12वीं कक्षा पास होने के बाद सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसके डिटेल्स पूरे जानने से पहले हम आप सभी को खुशखबरी देने वाले हैं, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। क्या है इसकी भर्तियां, किसने कितने भर्तियां हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल वार्डन की भर्तियां फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। उसमें आपको 3648 भर्तियां जेल वार्डन की फिल होने वाली है। इसमें आके आपको सैलरी तनख्वाह 21,000 से 700 तक स्टार्ट होगा, और इसका कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन आके 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। और इसको कैसा अप्लाई करें, इसको जानकारी में हम पूरा देखते हैं, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन मेथड है। ये आके आपको भरने के लिए ऑनलाइन मेथड है। ये इसका पोस्ट का नाम आके जेल वार्डन है, और इसका कैटेगरीज डिटेल से जानते हैं, कितने किसको किसको और मेल और फीमेल को कितने रिजर्वेशंस हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आके आपको 1507 भर्तियां सिर्फ पुरुष के लिए है, और फीमेल के लिए स्त्रियों के लिए 314 भर्तियां हैं। जनरल मतलब कि कोई भी इसमें भर सकता है, मतलब कोई ओसी कैंडिडेट्स कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इसमें भर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट्स को 813, मेल और फीमेल वालों को 169 भर्तियां हैं। एससी कैंडिडेट के लिए 632 और फीमेल के लिए 131। एसटी कैंडिडेट के लिए 60 वैकेंसीज फॉर मेल और फीमेल के लिए 12 वैकेंसीज है। पूरे मेल को मिला के, कुल मिला के सिर्फ पुरुष लोगों के लिए 3012 भर्तियां मेल के लिए हैं, और फीमेल के लिए कुल मिला के 626 भर्तियां पर स्त्रीलिंग के लिए है। इसका ये स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए है जॉब लोकेशन। आपको इसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन आके ऑनलाइन से भर्ती करना चाहिए। इसकी सैलरी आपको 21,700 से शुरुआत होगी। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत भी अच्छा मौका है, सिर्फ 12वीं कक्षा पास होना है, इंटरमीडिएट और 12वीं कक्षा। इसका एज का कितना क्वालिफाइड है ये भी देखते हैं, क्या है इसका एज। मेल के लिए 18 साल से लेते 22 साल तक होना चाहिए, वो पैदाइश होना चाहिए 1996 से बाद। फीमेल के लिए 18 से 25 साल तक होना चाहिए। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी जानते हैं क्या है बोल के। कैटेगरी मेल के लिए आके एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, मतलब पुरुष के लिए 160 मीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट आके 77 होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब ओसी ओबीसी के लिए, एससी के लिए भी 168 होना चाहिए। सिर्फ एसटी के लिए कोई रिलैक्सेशन दिया गया है, और एससी के लिए कुछ रिलैक्सेशन नहीं है। 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट आके 79 से 84 तक सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए जानते हैं क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका वेट आके 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 kg होना चाहिए। और अनरिजर्व मतलब ओबीसी एससी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये स्त्री
फीमेल के लिए, इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसा भर्ती करना है? इसका प्रोसीजर आपको ऑनलाइन से भर्ती करना है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, आपको ऑनलाइन से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटर्न एग्ज़ाम होना पड़ेगा आपको ऑनलाइन की एग्ज़ाम, सॉरी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है इसमें, रिटर्न एग्ज़ाम करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। अप्लीकेशन फ़ीस भर्ती करने के लिए आपको सब कैंडिडेट के लिए 400 रुपये पे करना पड़ेगा। ये पे फीस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के हिसाब से ऑनलाइन पे कर सकते हैं और चलाना भी कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट शेड्यूल बैंक से। चलिए उसका कैसा प्रोसीजर है अप्लाई करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेबसाइट में जाइए, जाने के बाद उसमें आपको सेलेक्ट कैंडिडेट्स करिए, पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी, वो वेबसाइट का लिंक और इसकी जानकारी का पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाऊंगा, आप वहां से जा सकते हैं, वहां से पूरा जानकारी पा सकते हैं। और इसका स्टैंडर्ड इम्पॉर्टेंट डेट्स, आप अभी इसको कुछ स्टार्टिंग डेट या रजिस्ट्रेशन नहीं बताया है और लास्ट डेट का भी कुछ अभी इन्फॉर्म नहीं किया है, जैसे भी डेट्स अनाउंस हो जाएंगे मैं आपको नोटिफिकेशन से, मतलब कि यूट्यूब के ज़रिए से मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स यही है आज की जॉब की खबरें। आपको और जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को, जॉब सली चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में घंटे का बटन दबाइए फॉर मोर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। और ये कोई आपको क्वालिफाइड पर्सन है तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको ज़रूर कुछ ना भर्तियाँ मिल जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके दोस्तों को और आपके फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली रिलेटिव्स को शेयर करिए, किसी ना किसी को ये खबर काम आएगी। तो फ्रेंड्स यही से आपको ख़त्म करते हैं इस जॉब खबर की बातें। अगले कुछ और अच्छे नए वैकेंसीज के मैं लेके आऊँगा, जब तक मेरे को रजा दीजिए। जय हिंद, बाय।